साधना परेशा बीच मानत नहीं मन मोरा सा तो मानत नहीं मन मोरा रे मानत नहीं मन मोरा सा तो मानत नहीं मन यह महात्मा कबीर साहब की वाणी है। जब हम संतों की वाणी पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो संत समझाते हैं कि इस दुनिया में दो शक्तियां काम करती हैं। एक दयाल की शक्ति है, दूसरी काल की शक्ति है। मुसलमान दरवेश इसको रहमानी शक्ति और शैतानी शक्ति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको पॉजिटिव पावर और निगेटिव पावर कहते हैं। दयाल शक्ति दुर्धाम से निकलती है, कुल मालिक की शक्ति है, सारे खंडों ब्रह्मंडों का सहारा है, बल्कि तिनके तिनके पत्ते पत्ते कण कण का आधार है। जब ये हालत है तो साफ जाहिर है कि काल शक्ति का आधार भी दयाल शक्ति है। काल शक्ति त्रिलोकी तक काम करती है और उसका आधार भी नाम और शब्द और दयाल शक्ति है। हमने संतों के वाणी में पढ़ा है कि काल ने सेवा के बस सतपुरुष से वे सब आत्माएं ली, सचखंड के आत्माओं का एक हिस्सा जो आज सारी त्रिलोकी के अंदर छाया हुआ है, आबाद है। अब जब इसको आत्माओं का भंडार मिला तो काल ने देखा कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसकी कुदरती कशिश परमात्मा की तरफ है। मैं इसको परमात्मा की याद कैसे भुलाऊं, इस कशिश को कैसे बंद करूं, तो उसने दो खोल बनाए, एक तन का दूसरा मन का। आत्मा को तन के अंदर डाल करके मन उसके साथ लगा दिया। मन एक गुनावनों का, संकल्पों का, कह दो इच्छाओं का एक थैला है और उसके अंदर से बार बार इच्छाएं फूट फूट करके निकलती है। उन भोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मन को इंद्रियों की खाट पर जाना पड़ता है और जब हम आंखों के द्वारा अन्य इंद्रियों के द्वारा लस्ते लेते हैं, स्वाद लेते हैं, भोगों का अनुभव करते हैं तो कर्म बनते हैं, शुभ भी बन सकते हैं लेकिन आम तौर पे अशुभ ही बनते हैं, बुरे ही बनते हैं। अब जब कर्मों का जखीरा इकट्ठा हो गया और काया के खत्म होने का वक्त आया तो क्या हुआ, नए कर्मों का भंडार तैयार हो गया। उसके अनुसार काल ने फिर इसको काया में डाल दिया और मन इसका संतरी बना दिया। जैसे कोटवाली के अंदर कैदी होता है, कोठड़ी के अंदर बंद होता है, ताला लगा होता है, संतरी बाहर खड़ा होता है, ये हालत जीव आत्मा की हो गई जब उसने सचखंड को छोड़ा और इस काल शक्ति के हवाले हुई। स्वामी जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, सुरथ
तो दुखी रखे हम जानी। ए आत्मा, हम बखूबी जानते हैं कि तू महा दुखी है। क्यों दुखी है इसका कारण आगे बयान करते हैं। जातिन से शब्द विसारा, मन संग यारी ठानी। जब तुम सचखंड से अलग हुई, तेरा शब्द के साथ नाता टूट गया। तूने अपनी दोस्ती और मित्रता मन के साथ रखी और तेरे दुखों का इतिहास शुरू हो गया। अब ये संत महात्मा दुनिया में आते हैं और जाते वक्त ये हमारे रहबरी और मार्ग दर्शन के लिए वाणी छोड़ के जाते हैं। उसकी भावना क्या है? भावना एक है कि ये प्रोसेस उल्टे रिवर्स हो। कौन सी? जो हम शब्द से टूटे हैं, मन की दोस्ती की है, अब मन की मित्रता छोड़े और शब्द के साथ नाता छोड़े। ये सारे संतों का मकसद और मिशन रखा है। इस वक्त भी संतों का यही मिशन है और जो इसके बाद कोई संत महात्मा आएगा पूर्ण दर्जे का, दयाल देश का, उसका यही मकसद रहेगा कि इसका मन के साथ छूटे, आत्मा का शब्द को पकड़े, अजर अमर अविनाशी हो जाए। अब सवाल यह हुआ कि इस शब्द का सहारा कौन देवे और किसको मिले? हमको आज तक उस शब्द को भुलाए, उससे डिस्कनेक्ट हुए, जुग बेअंत जुग हो गए। पलटू साहब बड़े सुंदर तरीके से लिखते हैं, माया की चक्की चली, पीस गया संसार। चक्की के अंदर डाने डाले जाते हैं, उसके दो पाटन होते हैं। दो पाटन का सहारा एक लोहे की कील होती है और चक्की चलाने वाला उस चक्की को चलाता है। दाने पीस पीस करके बारीक हो जाते हैं और किस्मत से कुछ ऐसे दाने होते हैं, तकदीर वाले, जो धीरे धीरे खिसक करके कील के नजदीक चले जाते हैं। कील के इर्द गिर्द उस चक्की के पाटन के पीसने का असर नहीं होता है। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू बचते हैं संत जन। वो क्यों? जो करे नाम अधार, वो जो कील है वो नाम है, शब्द है। जो माया चक्की चला रही है वो भी उस शब्द के सहारे चला रही। कहते हैं संत जन, क्या संतों की जीव जो उस कील का सहारा लेते हैं, शब्द का सहारा लेते हैं, वे सिर्फ इससे बच जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज साफ अर्ज करते हैं, सतगुर प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतक। कहते हैं मन के कौतक इस पृथ्वी से लेकर के प्रेम पार प्रेम के चोटी, दयाल देश से नीचे नीचे तक इसके है। यहाँ मन है, माया है, ऊपर काल है, उसके ऊपर महाकाल है। इनके बेअंत धोखे, अटकलें, चालाकियां और कपट है और सब एक पर्पस से है कि आत्मा वापस घर में न जावे। अब जब बड़े भाग होते हैं तब दयाल देश का कोई संत सतगुरु महात्मा दरवेश मिलता है। दुनिया में आमतौर पे सब दरवेशों ने, सब मिस्टिक्स ने, महात्मा ने एक आवाज से पुकार पुकार करके समझाया कि ऊंचे में ऊंची तकदीर जिसकी होती है, जिससे उस सतपुरुष दयाल खुश होता है, उसको अपना रूप उस दयाल देश का महात्मा उसके साथ मिलाप कराता है। देखा जाए जीव के हाथ में नहीं है। जीव के हाथ में क्या है? खोज।
जीव के हाथ में क्या है? शौक। शौक कैसे पैदा होगा, खोज कैसे होगी? जब इन महात्माओं की वाणी सुनेंगे। ये हमारे जीवन की दिशा देते हैं कि हम किस काम के लिए आए हैं, वो काम हमारा किस तरीके से होता है। उसकी जब खटक अंदर बैठ जाए तो समझो उस सत्य सत्पुरुष की, उस दयाल की हमारे ऊपर दया होनी शुरू हो गई है। और कबीर साहब के आज के शब्द का विशेष प्रसंग ये है कि जब ऐसा कोई संत महात्मा जो मन के चालाकियों से, चालबाजियों से, इसके अटकलों से, इनके दुखों से बखूबी वाकिफ है, सारे राहों का वाकिफकार है। हम जानते हैं कि प्रोफेसर किसी वक्त शागिर्द था और पढ़ते पढ़ते प्रोफेसर हो गया। जो अच्छा नेक दिल प्रोफेसर होता है वो अच्छी तरह जानता है कि शागिर्दों की दिक्कतें तकलीफें क्या होती हैं, और बड़ी हमदर्दी से, सहानुभूति से, प्रेम से उनके दिक्कतों को दूर करने के उपाय बताता है। अब ये जो महात्मा परम पद को पा लेते हैं अपने सतगुरु की कृपा से, अपने मेहनत से, जब वह परम पद को पाते हैं फिर ये वाणी लिखते हैं, तो उनके लिए मन का कोई धोखा नहीं रहा, माया की कोई रुकावट नहीं रही, काल महाकाल का कोई बाधा नहीं रही। लेकिन वाणी में इसलिए लिख के गए कि जो भी शागिर्द बनेगा, शिष्य बनेगा, सेवक बनेगा, उसको सब प्रकार की दिक्कतें आएंगी। और कितनी मजबूती से और कितनी होशियारी से उन दिक्कतों का सामना करना है, उन कठिनाइयों के ऊपर विजय पानी है। अब संतों के वाणी की महिमा आए दिन हम सुनते हैं, यह है कि जब जीवों को समझाते हैं तो अपने आप को समझाते हुए इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हमको समझाते हैं। और यहां कबीर साहब कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। साधो से बात कर रहे हैं। साधो कौन है? साधु वह है जो साधना करना चाहता है। बाकी किसको जरूरत पड़ी है कि महात्मा को सुने? जो इस दुखी दुनिया से निकलना चाहता है और मन के चुंगुल से आजाद होना चाहता है, शब्द की साधना करना चाहता है। कहते हैं, भाई साधना करने वाले प्यारे, मेरी बात को सुनो। मेरा मन मेरी बात नहीं मानता, गुरु की बात नहीं मानता, गुरु की आज्ञा नहीं मानता। गुरु की आज्ञा कौन सी है? हम सोचे कि हमको रोशनी मिली है, हमारे ऊपर रहमत है, लेकिन कबीर साहब का भाव क्या है? कहते हैं, पहली शिक्षा ये मन नहीं मानता कि इंसान का चोला वैरथ चला गया, फिर सतगुर मिला तो सफल होने की आशा हुई, और उस हिस्से को भी ये मालिक के भक्ति में खर्च नहीं करता। कहता है, ये बात नहीं मानता मेरी। और इसके लिए क्या है? सत्संग में जाना, सेवा करना, और खास करके सिमरन ध्यान, जिसको हम भजन कहते हैं, वो करना। ये सब बातें मेरा मन नहीं मानता। और साधना करने वालों को असाधु समझा रहे हैं कि आपका मन भी ऐसा करेगा। जब आपको सतगुरु मिलेंगे, जब आपको रोशन राह मिलेगी, सिमरन ध्यान की दया होगी। सिमरन ध्यान क्या है? मन को कैद करना।
और कोई भी कैद होना पसंद नहीं चाहता है। मन को यहाँ बिठाए रखना, एकाग्र करना, ये मन को एक ठिकाने पर बिठाना है। फोटोग्राफर जब हमारी तस्वीर खींचता है तो कहता है कि 5 मिनट बल्कि 1 मिनट स्थिर होकर के खड़े हो जाओ। अगर तुमने शरीर के किसी अंग को हिलाया, आंखों को भी हिलाया, तो तस्वीर खराब हो जाएगी। वो 1 मिनट, वो 5 मिनट स्थिर होना मुश्किल हो जाता है। कहना बहुत आसान है, मुश्किल है, इसलिए तो कबीर साहब कह रहे हैं, कहते ये जो स्थिरता है, एकाग्रता है, ये तो बड़ी दया से और बड़ी सख्त मेहनत से मिलती है, ये आसान काम नहीं है। अब ये मन क्या करता है कि हमेशी जब दुनिया के अंदर काम इंसान के अंदर करेगा तो निगेटिव करेगा, बुराई करेगा। इसको ये ड्यूटी मिली हुई है कि जीव आत्मा को परमात्मा से अलग करो। अलग करने वाली चीज कौन सी है? हमारे कर्म है। कर्मों की इतनी बड़ी लंबी दीवार है कि दुनिया में इतना कोई ऊंचा पहाड़ नहीं है। वह दीवार जो आत्मा को परमात्मा से अलग करके बैठी है। और हाल क्या है कि दीवार और ऊंची होती जाती है। परमात्मा की दया, परमात्मा की रहमत कैसे महसूस हो? अब कबीर साहब कहते हैं कि मन की ये ड्यूटी है। सरदार बहादुर महाराज फरमाया करते थे कि मन देखो कितना ईमानदार नौकर है। किसका नौकर है? काल का। काल ने इसको किसी खास काम के लिए बनाया है कि तुम जीव को भोगों के अंदर, दुनिया के धंधों के अंदर, इनको उपाधियों के अंदर, बुराइयों के अंदर लगा करके रखो। कितने वफादारी से, कितने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है। साथ में क्या कहते थे कि अब तुमको सतगुरु मिला है, ऐ सत्संगी तुम भी ईमानदारी से, वफादारी से गुरु की ड्यूटी बजा लाओ। जब ये गुरु की ड्यूटी बजाने की कोशिश करेगा, मन अपनी बात करेगा, तो क्या होगा? टक्कर, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, संघर्ष होगा। किसके लिए? अभ्यासी के लिए, प्रेमी के लिए। प्रेमी की जिंदगी सारी इस झगड़े के अंदर, जब संत मत के अंदर चींटी को दुख देने की मना है, किसी को दुख देने और मारने की मना है, लेकिन एक चीज की छूट दी गई है कि इंद्रियों को मारो, मन को मारो, अपने मन को मारने की कोशिश करो, इससे तेरे को वो मालिक और हरी मिलेगा। सो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मैं बहुत मन के साथ संघर्ष भी लेता हूं। जितने जेल खाने भरे हुए हैं दुनिया में, सब मन ने भरे हैं। रात दिन कचहरियों के अंदर जो लोग चक्कर लगा रहे हैं, उन सब के अंदर मन बैठ करके ये झगड़े करवाता है। भाई भाई की शक्ल देखना नहीं चाहता, हरे को अलग बेडरूम चाहिए। कोई जमाना था कि 10-10 घर के आदमी एक कमरे में सोते थे। कहते हैं मन हमारे पीछे लगा हुआ है, जितने विषय विकार दुनिया में है, जिसको कहते हैं हम आज उनका नाम रखा है मॉडर्न एमिनिटीज, आधुनिक सुख सुविधा, बटन दबाने से सारे काम होते हैं, ये सब मन की चालाकियां है। ये सब मन को, मन का एक तरीका है कि इसका फैलाव हो जाए। जितना फैलाव होगा उतनी एकाग्रता मुश्किल होगी। जितना हमने कारोबार फैलाया है उतना ही इकट्ठा करना, वापस करना मुश्किल होता है। सो इसलिए आप कहते हैं कि ये मन तो यही काम करेगा। ये सारे जेल उसने भरे गए, ये सारी कचहरियों के अंदर मन दौड़ रहा है,
सारी पुराया अखबारों को पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसी रिपोर्टें मिलती हैं कि हाथ से अखबार ही निकल जाती है कि ये भी हो सकता है। इंसान को मन ने इतना तबाह कर दिया है। सो इसलिए कहते हैं जब तबाही इतनी हो रही है तो हिम्मत भी इतनी ही हुई होनी चाहिए। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि इंसान सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं फलाने के पास जा रहा हूं, दफ्तर में जा रहा हूं, मैं बाल बच्चों की परवरिश कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया हूं। लेकिन एक छोटी सी बात सुना करके समझाया करते थे कि तू तो एक कठपुतली है जिसको नचाने वाला मन है और तेरे को इस भेद का पता ही नहीं है। आप फरमाया करते थे कि कोई साधु है जो शब्द की साधना करके तन से अलग होता है और मन से अलग होता है, यहां पहुंचे तो इस तन से अलग हो और इस शरीर के अंदर जो मन काम करता है उससे अलग हो, सूक्ष्म मंडल को पार करे तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मन से अलग हो, ब्रह्म के देश को पार करे तो कारण शरीर और कारण मन से अलग हो। तीन प्रकार के शरीर और तीन प्रकार की मन की अवस्थाएं। कहते हैं जो साधु इनसे अलग होता है वो मन को अलग समझता है। ऐसा एक साधु बाजार से जा रहा था, उसने मन को कहा, ऐ मन तेरी मैंने इतनी महिमा सुनी है कि एक मिनट के अंदर कुछ का कुछ कर देते हो, कुछ तो खेल बताओ। साधुओं का मन वफादार नौकर होता है। कहते हैं महाराज क्या देखना है, आप यहीं तो खड़े हो जाओ, बाजार से जा रहे हैं, सामने दुकान पर दृष्टि जमा दो, मैं आपको अपना खेल दो मिनट में दिखाता हूं। एक ग्राहक शहद लेने आया, दुकानदार का नौकर शहद से निकाल बोतल से निकाल करके शहद देने लगा, कुछ शहद की बूंदें नीचे गिर गई, उनको खाने के लिए मक्खियां आ गई, दीवार पर कोई छपकली बैठी थी वो उन मक्खियों को खाने के लिए आ गई, दुकान वाले ने बिल्ली पाल करके रखी थी उस छपकली को खा गई, नीचे ग्राहक आए थे उनके पास कोई पालतू कुत्ता था वो वहां से उठ करके बिल्ली के ऊपर आया उसको घायल कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि एक तरफ तो दुकानदार और उसके नौकर और दूसरी तरफ ग्राहक और बाजार वाले खूब झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई। मन कहता है महाराज ये मेरा खेल दो मिनट का है। अब इसके अंदर ग्राहक क्या समझ रहा था कि मेरे को शहद की जरूरत है, मैं शहद ले रहा हूं, नौकर ये सोच रहा था मैं शहद बेच रहा हूं, छपकली अपने लेवल पे सोच रही थी। इस तरीके से बिल्ली और कुत्ता न सिर्फ वे तो नीचे लेवल के जीव है लेकिन दुकान के ग्राहक और सेठ उस तरीके से सोच रहे थे तो इसका दोष है, वो सोच रहे थे इसका दोष है, जबकि सारा खेल दो मिनट के अंदर मन ने करके बताया। आप कहते थे कि ये सारी त्रिलोकी मन का खेल है, यहाँ अस्तूल खेल है, सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म खेल है और उससे ऊपर जाओ तो और बारीक खेल है, लेकिन है सारा मन का खेल। कहते हैं इसको अब जब पार करने का वक्त आता है, महात्मा मिलता है, मन को पकड़ने की युक्ति देता है, मन साथ नहीं देता और हमको खूब लाते मारता है हर प्रकार से। पहले तो मीठी मीठी बातें करता है, जल्दी क्या है, क्या जल्दी है, पुराने सत्संगियों को देखो सत्संग में ही नहीं आते हैं, हमारे पास में रहते हैं और फिर हमने तो उनको कभी भजन ध्यान करते देखा नहीं। भाई तू तो नया सत्संगी है, तेरे ऊपर क्या मुसीबत आई है, किसी वक्त देखेंगे।
और फिर कहता है ये भी जरूरी है, इसको भी कर लो, इसको भी कमा लो, इसको भी इकट्ठा करो, क्या समाज से नहीं जोड़ना, इधर भी भटको, इधर भी भटको, इधर भी जाओ। सब तरह की इसकी इंगेजमेंट, इसकी डायरी इंगेजमेंट से भर देता है और भजन के वक्त कहता है महाराज आपकी आप जानो और आप दया करना, अपना काम संभालना। प्यास के वक्त ये नहीं कहता है कि गुरुजी आपको पीना है, खाने के वक्त ये नहीं कहता है आपको खाना है, भजन के वक्त कहता है भजन भी आपको करना है। कहते ये सब मन की चालाकियां हैं। इसलिए किस तरीके से मन को पकड़ना है, किस तरीके से मन की इन चालाकियों पर विजय पानी है, इसको आज कबीर साहब अपने ऊपर घटा करके इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को, जिनको इतनी ऊंची शब्द की साधना मिली है, समझाने की कोशिश करते हैं। मानत ने मन मोरा साथो, मानत ने मन मोरा रे, बार बार मैं कै समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। कहते हैं ऐ प्यारे सत्संगी, कदम कदम करके बढ़ना पड़ेगा। पहला कदम उठाओ और वो ये है कि इस दुनिया को और इस घर को और इस शरीर को अपना मत समझो। तुम तो डेरा डाल करके बैठे हो, जबकि तुम्हारे गलियों में आवाजें पड़ती हैं, जनाजे निकलते हैं, राम राम सत होता है, तू तो डेरा डाल करके बैठा है कि चलने वाला ही कोई नहीं। दुनिया के अंदर आज के दिन लाखों लोग घरों से निकलते हैं, अपने काम काज के लिए, धंधे के लिए निकलते हैं, और क्या क्या घर में कह के जाते हैं कि शाम को फलाने के यहाँ शादी पर जाना है, ये कपड़े सिल करके आए हैं, ये पहन करके जाऊंगा, ये चीज मंगवाई है, इसको मैं रात को खाऊंगा, और फिर इतनी लंबी चौड़ी पता नहीं उसकी सेविंग्स की स्कीम होती है, पैसे जमा करने की, धंधे व्यापार की स्कीमें होती है, लेकिन दुनिया के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं वे आंकड़े बताते हैं कि ऐसे हजारों लोग होते हैं जो शाम को घर में नहीं आते हैं, पता नहीं वे कहां पहुंच गए। उनका एक किराए का मकान खाली कराया गया, जमदूत ने जहां मुनासिब समझा, जिस स्थान पर समझा, वहां एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। कहते हैं बार बार मैं मन समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। कहते हैं पहला ये कदम कि अपने आप को कहो कि भाई मैं मेहमान हूं, और ये लंबी चौड़ी स्कीमें किसके लिए, आज की स्कीम बनाओ, आज की प्लानिंग करो कि आज का दिन मैं किसी किस तरीके से गुरु के हवाले करूं। इसलिए क्या कर कि मौत को हरदम सामने रख, अपने आप को चलने वाला और इस दुनिया को सराय मान करके चल। सराय के अंदर मुसाफिर कभी ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ डेरा डालने वाला हूँ, चलने वाला हूँ, ये कहता है। कहते हैं ऐ सत्संगी अपने आप को चलने वाला समझ, तेरी बहुत सारे बंधन तो इस तरीके से ही ढीले हो जाएंगे। कोई मुसलमान दरवेश कहता है दिन भर मौत को सामने रखो और सोते वक्त उसको सिरहाने समझो। एक मुसलमान दरवेश ने अपने जिंदगी में अपने आंगन के अंदर कब्र बनवा दी थी, सुबह को देखना, दोपहर को देखना, रात को देखना, कमरे में जाकर के भजन करना। ऐ मन तेरे को यहाँ जाना है, तुम्हारा असली ये घर है, तुम्हारी सारी स्कीमें यहाँ आकर के खत्म होगी। इसलिए कहते हैं कि प्यारे अगर ये नहीं कर पाते हो,
आगे का कोई परमार्थी काम सही तरीके से नहीं होगा। मेरी शिकायत बनी रहती है, कबीर साहब तर्जमानी कर रहे हैं, हमारे तरफ से जो हमारे अंदर गुजरता है और हमारी शिकायत है कि मन नहीं लगता है, मन में शांति नहीं है, उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये मन कैसे नाम के अंदर लग करके गुरु के चरणों से लाभ उठा करके शांत हो सकता है, ठंडा हो सकता है। कहते हैं पहला कदम ये उठाओ। हमने असन बसरी की वार्ता सुनी है कि वो निपट दुनियादार था, सब प्रकार के धंधे करता था, हीरे जवाहरात का व्यापार करना, बड़े बड़े आदमियों से दोस्ती रखना, एक जगह से दूसरी जगह में जाना, ये उसका धंधा था। एक वजीर के पास आया चल करके, तो वजीर कपड़े पहन करके तैयार होकर के बाहर जाने वाला है। कहता है जनाब, उनका वाकिफ था, मैं आपके लिए आया हूँ। कहते हैं अभी तो मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, फिर मेरा, कहते तू भी मेरे साथ चल, फिर वापस आकर के तेरे हीरे जवाहरात देखेंगे। जब वहां पहुंचे तो चलते चलते एक अति सुंदर मैदान आया, उसके अंदर महा सुंदर एक फुलवारी थी, अति खूबसूरत एक टेंट या खेमा या तंबू लगा हुआ था रेशमी। और हसन बसरी देखता है कि तंबू के इर्द गिर्द सेना की टुकड़ियां खड़ी है, कमांडर उनके सामने बड़े गंभीर रूप से खड़े हैं, सुंदर नारियां हैं, बड़े सुंदर वस्त्र, बड़े सुंदर गहने, हाथ में सोने की पराते, उनके अंदर कीमती रतन सबके पास है। दूसरे तरफ देखता है कि विद्वान खड़े हैं, ज्ञानी खड़े हैं, बुद्धिमान खड़े हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े ग्रंथ हैं। फिर देखता है बुजुर्ग खड़े हैं, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी है, उनके गलों के अंदर मालाएं तस्बीहें पड़ी हुई हैं, उनको फेर रहे हैं, और एक कोने के अंदर बादशाह अपने शान से खामोश खड़ा है। पहले सेनापति जाते हैं तंबू के अंदर, फिर रोते हुए अंदर से निकलते हैं, फिर सुंदरियां जाती हैं, उनके रुमाल गीले होते हैं, फिर विद्वान ज्ञानी जाते हैं, वो भी खाए मार करके रो करके निकलते हैं, फिर बुजुर्ग जाते हैं, उनकी भी ये हालत होती है, आखिर में बादशाह जाता है और उनके रोने की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। हसन बसरी ने वजीर से पूछा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि इस तंबू के अंदर क्या राज है, ये खाए मार करके सब रो रो करके निकल रहे हैं। तो वजीर ने कहा इस बादशाह को एक ही बेटा था, बड़ा जवान था, 15-16 साल के उम्र के अंदर चला गया, इसको और कोई बच्चा भी नहीं है, इसको उसका मोह और प्यार इतना सताता है कि उसकी पूर्ति करने के लिए हर साल ये फंक्शन होता है, समारोह होता है। तो ये अंदर क्या करते हैं, अंदर सेनापति कहते हैं कि ऐ शहजादा, अगर बाहुबल से तलवार के जोर से तू वापस आ सकता तो हम हर यतन करके तेरे को वापस लाते, लेकिन तुम उस जगह में गए हो जहां ये कोई जोर नहीं चलता। इस तरीके से सुंदरियां कहती हैं कि धन के जोर पर, हमारे सुंदरता के, हमारे प्रार्थना के जोर पर ऐ शहजादा तू वापस आ सकता, हम इसलिए तो मौजूद हैं, सब कोशिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मजबूर हैं, लाचार हैं। इस तरीके से ज्ञानी कहते हैं मंत्रों से, श्लोकों से, ज्ञान ध्यान की बातों से ऐ शहजादा तू वापस आ सकता तो हम हर प्रकार का यतन करने को तैयार हैं। बुजुर्ग कहते हैं हमारे हाथ जोड़ने से, दुआ मांगने से, इबादत करने से तू आ सकता तो हर प्रकार की हम कोशिश करते। आखिर में बादशाह जाता है कि मेरे पास कोई कमी नहीं, मेरे पास सारे साधन हैं, और सारे साधन जुटाने के बावजूद भी शहजादा मैं तुमको वापस नहीं ला सकता। जब हसन बसरी ने ये बातें सुनी, ये रुईदात देखी,
तो उसके मन के अंदर इतनी चोट आई, इतना वैराग पैदा हुआ कि सारे हीरा हीरे जवाहरात लोगों के बीच में बांट दिए और जिंदगी के असली मकसद के खोज में निकला, दरवेशों के खोज में निकला। और हमने उनकी कई बातें सुनी है सत्संग में, वो खुद बड़ा दरवेश हो गया। कहते हैं प्यारे, पहला कदम ये कि अपने आप को चलने वाला समझ। अगर तुमने अपने आप को ऐसा नहीं समझा, तुम्हारा भजन नहीं बन रहा है, तेरा मन लग नहीं रहा है और न लगेगा न भजन होगा। बार बार मैं क्या समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, या काया को गर्भ न की जाए, क्या सावर क्या तन काम न आवे, कोट सुगंध चमोरा रे। कहते हैं फिर अच्छी तरह समझ कि जिस तन के अंदर बैठ करके तुम इतनी इतनी स्कीमें बनाते हो, इतने इतने नाज नखरे करते हो, इतने बड़े अहंकार करते हो, इतनी बड़ी दावाएं और क्लेम्स करते हो, वो शरीर क्या है? कहते हैं ये शरीर किराए का मकान है। अपना मकान वो होता है जो अपने पास रहता है। हमारे सामने बड़े बड़े जवान थे, बड़े बड़े पहलवान थे, बड़े बड़े सुंदर लोग थे छोटी उम्र के अंदर। उनके किराए का मकान जो था, जिस मयाद के लिए उनको मिला था, उसके बाद उनसे खाली कराया गया। कहते किराया क्या दे रहे हो, वो भी सोचो कि इस मकान के अंदर एक दिन रहने के लिए तुम 24,000 सांसों का किराया दे रहे हो। कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, सांसा खाली जात है, 3 लोक का मोल। कहते हैं तुम्हारा एक श्वास त्रिलोकी से ऊपर कीमत रखने वाला, ऐसे 24,000 श्वास इसका किराया फाड़ा है इस शरीर के अंदर बैठने का। और फिर तुम्हारे दुकान में इतना घाटा, तुम्हारे घर में इतना नुकसान, और तुम रंग रलिया मानते हो, तुम बेखबर हो करके फिरते हो, तुम सुस्त और आलसी बने हुए हो। कहते हैं नहीं, कहते हैं बिना भक्ति तन काम न आवे, कोटन सुगंध चमोरा रे। सुगंध चमोरा का मतलब ये है कि आईने से हमारा प्यार है, आईने से हरेक बहन भाई का सबसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि उसमें हमको अपना शरीर नजर आता है, हम कैसे हैं। और खूब उसको पॉलिश करते हैं, मालिश करते हैं, उसको अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। ड्रेसिंग टेबल पे पता नहीं कितने लोशन, कितने पाउडर, कितने क्रीम निकल गए हैं। कहते हैं ठीक है, लेकिन ये सब किस लिए है? अगर इसके अंदर बैठ करके तुम भक्ति नहीं करते हो, तो कहते हैं कि एक मुर्दे की मालिश हो रही है। इसके अंदर जान तो उस आत्मा के कारण है, उस नाम और शब्द के कारण है। अगर तुम उसकी छानबीन नहीं करते, जब तुमको पता भी लगा कि आंखों के पीछे उस नाम का प्रकाश है, आंखों के पीछे उस नाम का कीर्तन है, और उसको सुन करके तेरा मन तृप्त होगा, दुनिया के लस्तों से इस्तीफा देगा, मुख मोड़ देगा। प्यारे फिर इतना देह का मान, इसकी देह की इतनी गफलत। इसलिए स्वामी जी महाराज एक जगह लिखते हैं कि ये जो तुमको देह मिली है, ये दे मिली कृपा कर, करो भक्ति जो करम तखा। कहते हैं ये बड़ी कृपा उस सतपुरुष की होती है जब ये दे मिलती है। और किस काम के लिए मिलती है? कहते हैं करो भक्ति जो करम तखा, जो कर्मों की दीवार लंबी लंबी है उसको गिराने के लिए मिली है। गिरेगी कैसे? जब तुम सिमरन करेगा, जब तुम ध्यान करेगा, जब तुम साथ संगत की सेवा करेगा,
सारी शुरुआत सत्संग से होती है। सत्संग तो पूरी फाउंडेशन है। जिसका सत्संग कच्चा है उसका मकान भक्ति का कैसे पक्का बन सकता है। हमारे सत्संग सुनने में नुक्स है, हमारे सत्संग के ऊपर विचारने के अंदर नुक्स है। ये मन इतनी चतुराई करता है कि इसको घर से चलने में देर करता है, जबकि इसका फर्ज है कि पहले आकर के कोई साथ संगत की सेवा करे। कितने दुख की बात है कि इतना ऊंचा पदार्थ मिला कि ये एक जगह जो उन्होंने मुकरण की है उसके अंदर पहुंचने में असमर्थ है। फिर आता है तो दुनिया के झंझट और ख्याल लेके आता है, क्या गुजर रहा है, क्या वाणी कहती है, कोई ध्यान नहीं। कहता है सेवा के लिए फुर्सत नहीं, ये तो बेलदारों का काम है। पूछो इस भगत से कि जिस वक्त चार आदमी तेरी मिट्टी बना लेते हैं उस वक्त तेरी खूबसूरती कहाँ जाती है। सो इसलिए आप कहते हैं कि जब तक देह के अंदर देह है, देह के अंदर जान है, प्राण है, इससे पूरा पूरा फायदा उठा। इससे चेत करके संतों की वाणी सुन, संतों का दर्शन कर, उनके अनुभवी वचन सुन, देख देख करके भक्ति पैदा होती है। एक पहलवान को कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती है कि सेहत क्या होती है। एक पहलवान को देख करके ख्याल पैदा होता है कि मैं तो कमजोर हूं, मेरी सेहत तो बहुत कमजोर है, अगर मैं ऐसा पहलवान हो जाऊं कितना खुश हो जाऊंगा। उसको देख करके ख्याल पैदा होता है। गुरु के रोम रोम से भक्ति की लहरें निकलती है। वो भक्ति का अनंत एक भंडार है। भक्ति ही रेडिएट करता है 24 घंटे उसके चरणों में बैठने से, उसको सुनने से। लेकिन ये हरदम नहीं हो सकता, इसलिए उसकी याद करने से, उसका सिमन करने से, उसके ध्यान करने से, ये सब भक्ति है। कहते हैं नतीजा क्या होगा कि दुनिया की भक्ति के बंधन ढीले होंगे और भगवंत की भक्ति उम्र पड़ेगी, अंदर आना लगेगी। क्या समझाना चाहते हैं कि तेरा मन कैसे शांत होगा, शरारतें बंद करेगा, क्या क्या इनकी उपाधियां हैं, इनका सिलसिला टूटेगा। जब तुम इस देह के अंदर बैठ करके भक्ति करोगे, आप मिसाल दिया करते थे हजूर महाराज जी कि एक आदमी घोड़ा रखता है, उसको चारा खिलाता है, अच्छे में अच्छा चारा खिलाता है और अच्छे में अच्छा भोजन देता है, पानी देता है, इस्तबल को साफ रखता है, मालिश कराता है, लेकिन घोड़े के ऊपर सारी जिंदगी सवार तक नहीं हुआ तो उसके अक्ल और बुद्धि के ऊपर अफसोस आता है। कहते हैं प्यारे, इतने सुख सुविधा के सामान, सोना बिछौना एक क्लास होना चाहिए, कमरा एक क्लास होना चाहिए, कपड़े वस्त्र जूते बहुत अच्छे होने चाहिए, यार दोस्त सुंदर होने चाहिए, सब चीज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन किसके लिए। कहते हैं जो असली काम शरीर से लेना है कि सुबह को उठ करके बैठना, क्या तुमने ये किया। महाराज एक सेंटेंस के अंदर सत्संगी से सवाल पूछते थे कि मालिक ने इतना कुछ दिया, उसका शुक्र किया। और साथ में कहते हैं शुक्र करना क्या है, 3 घंटे उठ करके सुबह को बैठना। कहते तुमने शुक्र किया, दातार दात बदलती रहती है लेकिन दातार तो नहीं बदलता है, उस दातार को देखा किसने, उस दातार को दिखाने वाला सतगुरु है। दातार वही है लेकिन जब वो दिखाना चाहता है तो सतगुरु बन करके आता है, मसीहा बन करके, दरवेश बन करके आता है। कहते हैं उसका कहना प्यारे मानो और अपने तन मन का जोर लगा करके भक्ति करो। एक दरवेश का वचन है कि ऐ गफलत करने वाला अभ्यासी मेरी बात को सुनता जा, कि 5 मिनट का जो सुरत शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई है, उसके अंदर तुमको इतना मिलेगा कि सारी जिंदगी सारी दुनिया की मजदूरी करोगे तो नहीं मिलेगा। क्यों, सोच समझ के कहते हैं, क्योंकि वो जो मजदूरी सारी दुनिया की ये करेगा, सारी जिंदगी करेगा, वो फल संसारी है और ये वो फल है जिसको ऊपर ले जाएगा, जो इसके बंधन खोलेगा। संतों महात्माओं के वचनों के ऊपर विचार होना चाहिए कि संत हमारे ख्याल को कितना ऊंचा करना चाहते हैं। आप समझाते हैं प्यारे सब कुछ होगा
नाम इसलिए दिया गया है कि सब कुछ हो, लेकिन तेरे हिस्से के अंदर क्या आता है वो मैं तेरे को समझाने की कोशिश करता हूँ। भगते तन काम न आवे कोट सुगंध चमोरा रे चोर चोर तन बात बिगो उच्चे लाखन कोट करोड़ा रे। कहते हैं तेरी तकदीर के ऊपर मुझे अफसोस आता है ऐ प्यारे सत्संगी कि तू बार बार अपने पासबुक को देखता है कि अब इसमें कितना है, अब इसमें कितना है, अब इसमें कितना है, और जैसे जैसे बैलेंस बढ़ता है तेरा मन भी खुश होता जाता है, लेकिन तुमने कोई परमारथ का पोता मेल रखा, कोई हिसाब किताब रखा? वो कहता है पता नहीं 1977 में नाम मिला, 78 में मिला, 79 में मिला, उनको याद तक नहीं है। कहती है ये हिसाब किताब है जो साथ चलता है, तुम कितना कितना समय दुनिया को दे रहे हो, कितना माल के सेवा में लगा रहे हो, इसका हिसाब किताब जाकर के बड़ा बेटा आगे फर्क करता है। इसलिए कहती है इसको वक्त देने की कोशिश करो, तेरा हाल क्या है कि तू संसारियों की तरफ देखता है। सत्संगी संसारियों को तो छोड़ो, सत्संगी सत्संगी को मिलने जाता है। कहता है इतने छोटे मकान में रहते हो, रसोई तुम्हारी ऐसी है, तुम्हारी बैठने की जगह ऐसी है, हमने तो अपने बच्चों को विलायत में भेज दिया, खूब पैसे इकट्ठे हो गए, हमारे मकान तो चल करके देखो, हमारे ठाट तो देखो। वो बेचारा बोला भगत जो उस झोंपड़ी में बैठ करके कमरे के अंदर भजन करता है वही दुविधा में पड़ जाता है। कहता है अरे मैं ही बेवकूफ निकला, ये कितना सियाना निकला, इसने तो बहुत कुछ कमा लिया, और मैं यहाँ कोटे में बैठा हूँ 2-3 साल से, अभी तक तो महाराज ने मुझे कुछ दिखाया ही नहीं। उसके मन के खाट को बदल देता है, डिससर्विस टू हिमसेल्फ एंड डिससर्विस टू सत्संगी, अपना घात और दूसरे का घात, ये समझा रही है। कहते लाख करो करोड़ करो, वो पापों के बगैर इकट्ठे नहीं होंगे। पापा बाजो होए न कट्ठी, मोया साथ न जाए, ये क्या है पैसा माया। कहते हैं पापों के बगैर कट्ठी नहीं होगी। तुम्हारी जो यहाँ वकालत करते हो कि टैक्सों की चोरी जरूरी, रिश्वत देना और लेना जरूरी, बेटा ये वकालत ऊपर नहीं चलती है, ऊपर दूसरी कचहरी है। उधर जो कुछ तेरा हाल होता है उसके लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, बल्कि कहना ही कुछ अच्छा नहीं लगता है। सो इसलिए कहते हैं कि ये जो तुम यहाँ इस माया को इकट्ठा करने के लिए कहते हो, ये तो तुम्हारे बच्चे लूटेंगे, शराबी कबाबी बनेंगे, व्यभिचारी बनेंगे, और तू जब चलेगा तेरे पैसे सब यहाँ और पापों की गठड़ी तेरे साथ, वो तेरे सिर पर, तेरे को अंधा किया जाता है या अंधेरे में चलाया जाता है, और गठड़ी तेरे सिर पर है, तू रोता है कि हाय मैंने क्या किया, जिसके लिए क्या वो तो वहां बैठे हैं, और जिसके पाप किए वो मेरे साथ हैं। ये नहीं कहते हैं तुमने किसके लिए किए, किए तुमने हैं, पाप तेरे साथ है। कबीर साहब कहते हैं मन में संतोष रखो, प्यारे भजन करना चाहते हो तो कोई लकीर खींचो, दो रोटियां मिलनी चाहिए। बाबा जी महाराज ने परमार्थी पत्रों को पढ़ के देखो, एक एक वचन हीरे से ज्यादा कीमत रखने वाला। बड़े हजूर को लिखते हैं, मैं सत्संग की जीवन को एक लाइन में बयान करता हूँ कि जो दो चीजों पर निगाह रखता है कि एक रोजी रोटी जिससे कि शरीर की पालना हो सके, और एक आत्मा की रोटी जिससे कि आत्मा को शक्ति मिले, आत्मा का पानी जिसमें उसकी प्यास मिटे, भजन सिमरन। इसके अलावा तीसरी चीज की तरफ सत्संगी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। इतने महापुरुष के डेरे में जाकर के लाखों लोग माथा टेकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में ये दो काम रखे, जो उन्होंने जिंदगी में रखे, जो जिंदगी में किया वो जिंदगी में समझाया। हमारे अंदर से, हमारे मुख से वो बात निकलेगी जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो करते हैं, और जो सोचते हैं वो बोलते हैं।
बाबा जी लिखते हैं ये दो काम अपने सामने रखो कि जैसे ओछा छोटा मोटा गुजारा हो और आगे हमारा परलोक सुहेला हो। मालिक के दरगाह में उजल मुख लेकर के ये जावे। कहते इस माया ने तो सबको कालिक लगा दी, काला कर दिया। जो सफेद बेचारा घर से निकल के आया उसका मुंह कपड़े काले करके यहाँ से ले गया, क्या फायदा हुआ। कहते हैं इसलिए शंकर आचार्य से किसी ने पूछा कि परमार्थ का राज बताइए, थोड़े लफ्जों के अंदर कोई ऐसी शिक्षा दो कि परमार्थ फलदायक हो जाए। कहते हैं भाई संतोष के पीछे पढ़ो, सब काम हो जाएंगे। आप समझा रहे हैं ऐ प्यारे, संतोष रख करके नाम की कमाई कर। संतोषी आदमी नाम की कमाई कर सकता है, भजन कर सकता है, सिमरन कर सकता है। बात को पूछे लाखन कोट करोड़ रे दुबता तुर मत अचतरा आई जन्म बनर बारा रे। कबीर साहब कोई कमी और कसर नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं मन की और चालबाजियां बताता हूं और अटकलें और फंदे, अगर इन फंदों के अंदर कोई नहीं आता है जो ऊपर बयान किए हैं तो इनके पास और फंदे हैं। फंदा क्या होता है? फंसाने का साधन। और वो क्या है? कहते हैं दुबदा दुर्मत और चतुराई। तीन फंदों का जिक्र कर रहे हैं। दुबदा क्या है कि मैं इस गर्मी के छुट्टियों में कश्मीर की सैर करने जाऊं कि डेरे में महाराज के दर्शन करने जाऊं। भाई ये दर्शन तो होते रहते हैं, एक बार तो कश्मीर देख ले, सारी दुनिया में उसकी महिमा है। ये दुविधा है, ये स्वार्थ और परमार्थ के बारे में फैसला नहीं कर पाता, उनकी पूरी कीमत नहीं लगा सकता है। इसलिए क्या होता है, आराम से परमार्थ को छोड़ता जाता है। और एक बार जब ये छोड़ना शुरू करता है तो छूटता ही जाता है। जैसे बंदर एक बर्तन से जिसके अंदर शिकारी ने छोले अटकल से रखे हैं कि ये मुट्ठी ढाले, मुझे पता है ये लोभी है और ये चन्ने नहीं छोड़ेगा, मैं इसको पकड़ लूंगा। जब वो मुट्ठी अंदर डालता है, बर्तन तरीके से बना होता है, खाली मुट्ठी जा सकती है और चन्ने के साथ मुट्ठी नहीं निकल सकती है, उस वक्त बंदर दुविधा में होता है। कभी सब दुविधा क्या है उसको समझा रहे हैं। मन में एक ख्याल बंदर के आता है, चन्ने छोड़ दो, भाग के निकलो। दूसरा ख्याल कहता है चन्ने मिल जाए तो अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है, मुझे पसंद है। इतने में शिकारी आकर के उसको पकड़ता है। कहते ये किसने उसको पकड़वाया? उसने दुविधा ने पकड़वाया। ये सत्संग के अंदर आकर के सब कुछ सुन करके, सब कुछ सोच करके, फिर जब एक्चुअली काम करने का वक्त आता है, मन इसको फेर देता है, चक्कर में डाल देता है और परमार्थ इसका छूट जाता है। कहता है टीवी देखो कि भजन बैठू, चलो भाई आज तो प्रोग्राम बड़ा बढ़िया है, इसको देख लेते हैं। भजन करने वाले तो संत होते हैं, वो सबके लिए कर देंगे। कहते ये सब दुविधा है जिसके अंदर जीव को ये फंसा देता है। जो इसके अंदर से निकलते हैं, कहते हैं किसी को दुर्मत के अंदर, मन इसके पीछे बैठा है, सेवा में घुस बैठ करेगा। जब चार सत्संगी प्रेम प्यार से सेवा करेंगे तो उनमें ये चालाकी करके ऐसी बात करेगा कि मन मोटा हो जाए, झगड़ा हो जाए, क्योंकि ये हमेशा नुकसान चाहता है। ये हमेश गुरु से, मालिक से और परमार्थ से हमको दूर रखना चाहता है। और वो मन मोटाव क्या करेगा? वजन खत्म, सिमन खत्म, प्रेम खत्म। और ये बड़ा खुश होता है मन, और इसको पता नहीं चलता है कि कराया किसने। कहते ये दुर्मत क्या है? ये खोटी मत है। कभी इसको कोई मिल जाता है लोभी शराबी, कहता है चलो मेरे साथ साझेदारी कर लो, मेरा भाईवार बन जाओ, पार्टनरशिप कर लो, इतना इतना 6-12 महीने के अंदर दिला दूंगा। अभी तो तुमने रिटायर किया है, इस पेंशन से क्या होगा, ग्रेजुएट क्या होगा, तू मेरे साथ ये धंधा कर ले। और उसको ऐसा पोला कर देता है कि सड़कों पे बिठा देता है, पैसे उसके इधर उधर हो जाते हैं। फिर ये समन लेकर के कचहरियों में घूमना शुरू करता है। रिटायर होने के बाद सोचा था कि भजन करूंगा, सिमरन करूंगा, ध्यान करूंगा,
क्या उस बेचारे की हालत हुई, किसने की दुर्मत ने कर दी, खोटी संगत मिल गई, कोई कामी क्रोधी मिल गया, नेक इंसान की जिंदगी अंधकार से भर दी। कहते हैं मन एक महाशत्रु है, और फिर चतुराई क्या है, कहते हैं ये चतुराई और प्रेम की कोई आपस में मेल नहीं है, ये सीधा साधा मार्ग है, ये अपने ऐप पाप जाहिर करने का मार्ग है। और चतुर इंसान क्या करता है कि अपनी नेकी जाहिर करता है और अपने अवगुण को छुपाता है, ये परमारथ नहीं है। ऐसा चतुर आदमी कभी परमारथ के अंदर कामयाब नहीं होगा। बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, बड़े महाराज के सत्संग लगते थे, खड़ा होकर के एक सत्संगी कहता, हजूर मेरे से गलती हो गई, मैंने ये कर दिया है। आप सोचो कितना बड़ा बहादुर है जिसने गुरु से माफी ले ली और 1,00,000 आदमियों से माफी ले ली, संगत से माफी ले ली, कि अपने अवगुण को सबके सामने बता दिया। चतुर कहेगा हाँ जी भजन बैठते हैं, नहीं बैठता होगा कहते हैं तो भी बैठते हैं, नहीं देखता होगा तो भी लोगों को प्रभावित करने के लिए कहते हैं हम तो आंख बंद करके अंदर की सैर करते हैं। कहते हैं देखो अपना रास्ता कैसे अंधकार से भर देता है। यदि ये चतुर आदमी मालिक को कभी सतगुरु को प्यारा नहीं लगता, इसलिए कबीर साहब एक और जगह लिखते हैं, चतुराई रीछे नहीं रीछे मन के भाव। कहते हैं तेरे अंदर भाव नहीं, प्रेम नहीं, शौक नहीं, तू तो दिखावा करता है। सेवा करके जब तक किसी को 10 को नहीं बताएगा मैंने ये किया मैंने ये किया, उसको नींद नहीं आती है। अब उस सेवा के ऊपर इसने पानी फेर दिया। कहते हैं ये सब चतुर आदमियों के काम होते हैं, ये सीधे सरल आदमियों का मार्ग है जिसके अंदर भजन सिमरन में तरक्की होती है, मन शांत होता है, गुरु के नाम के जोहर का पता लगता है कि गुरुदेव ने हमको क्या बख्शा है। कबीर साहब बड़े सुंदर तरीके से सिस्टमेटिकली समझा रहे हैं कि मन कदम कदम पे हमारे रास्ते को किस तरीके से रोकता है। जन्म प्यार बारे अजहो आन मिला सतसंगत सतगुरु मान निहोरारे। कितना प्यार है वाणी में, कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितना दया भाव है। अजहू आन मिलो सतसंगत सतगुर मान निखोड़ा रे। कहते हैं भाई कुछ नहीं बिगड़ा है, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, मन फिर एक और चालाकी करता है, जो कुछ निकल गया है जो फुर्सत होती है उसके अरमानों पर विचार करता है। भाई 40 साल निकल गए, कुछ काम नहीं किया, भजन नहीं किया, ये नहीं किया, सेवा नहीं की, सेवा तो नहीं करता, भजन तो नहीं करता, उसके ऊपर बैठ करके चितवन करता है, चिंतन करता है, उन अरमानों में दिन निकालता है। कहते हैं मन की चालाकियों की कोई हद ही नहीं है। वो जो समय इसके पास बचा हुआ है, अजहो, कहते हैं अभी भी आ जाओ, कहाँ आओ, सत्संग में। सत्संग कौन सा, बाहर का सत्संग। बाहर के सत्संग में गुरु का प्यार पैदा होता है, गुरु के सामने जाने में दर्शन करने से प्यार पैदा होता है, और फिर वो सत्संग हमको अंदर के सत्संग की तरफ ले जाता है। सत एक नाम है, नाम यहाँ है, जिस वक्त यहाँ हम ख्याल रखेंगे उस वक्त हम सत्संग कर रहे हैं। हमको तो सत्संग का सही अर्थ ही नहीं आता है, हम समझते हैं कोई खास जगह होती है, वहां जाना ही सत्संग है। जहां भी आंखें बंद करता है, 1 मिनट ध्यान करता है, 5 मिनट सिमरन करता है, सत्संग सत्संग है। असली सत्संग अंदर है, उसके तरफ जाना ये है, और उस सत्संग से शांति मिलेगी। ये बाहर का सत्संग भी इसलिए है कि उस अंदर के सत्संग सुनने का शौक पैदा हो, शौक पैदा हो और कुछ मेहनत करे। दया इसके अंग संग है, अफसोस इस बात का है कि दया का फायदा नहीं उठा रहा। अब दानी अगर दरवाजा खोल करके दान देवे और दरवाजे के अंदर कोई हाजिर नहीं है, मंगता गलियों के अंदर घूम रहा है, तो दानी देखता है दरवाजे में कोई नहीं। वो दाता सुबह को टोकरी लेकर के हर एक सत्संगी के घर में जाता है, देखता है तो सोए पड़े हैं,
स्वामी जी महाराज की एक सेवका थी, उनको स्वामी जी महाराज रोज अंदर में दर्शन देते थे। झोला छोड़ गए थे स्वामी जी महाराज, संत बाहर से झोला छोड़ते हैं, सेवकों से अंग संग होते हैं, लेकिन जो स्वामी बाग में साधु रहते थे वो एक दिन उस बीवी के पास आए। कहने लगे, बीवी हमारी अर्ज सुनो कि तुम स्वामी जी महाराज को बेनती करो, तुम अंदर में उनका दर्शन करती हो कि जो बाग में साधु रहते हैं, साधु का मतलब यहाँ जिन्होंने शादी नहीं कराई थी, उनके ऊपर भी दया करो। माई बड़ी भोली थी, कहती कोई संसारी काम तो नहीं, परमार्थी काम है। जब स्वामी जी महाराज को कहती है, महाराज इन साधुओं पर दया करो, स्वामी जी महाराज कहते हैं, बेटी तुम पता करना, इस वक्त बाग के अंदर सारे साधु सोए पड़े हैं, सुबह के 4 बजे है, अब दया हो रही है, लेकिन वो जो नींद है उसके ऊपर दया निकल जाती है, 2 साधु जाग रहे हैं, उनको दया मिल रही है। पता किया तो उस वक्त बराबर 2 साधु भजन में बैठे थे। सो इसलिए कहते हैं, प्यारे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ तेरे पास वक्त है इसका फायदा उठाने की कोशिश करो, इसको आगे चल करके किस तरीके से पूरा पूरा फायदा उठाना है कबीर साहब आखिर में समझाते हैं। अजा हूँ आन मिला सत्संग सतगुरु मान निहारा रे, लेत उठाए परत गोई गिर गिर, यो बालक बिन कोरा रे, कहे कबीर चरण चेतरा खो, यूं सोये विच दौरा रे। कहते हैं प्यारे, अब जब ये सब बातें तुमने सुन ली, अब तुम एक मन हो करके एक चित हो करके भजन करो, फिर जब तुम भजन सिमरण करोगे तो क्या होगा ये भी मैं तेरे को बता दूं। कहते हैं जैसे एक छोटा बालक होता है और उसको सहारा चाहिए, और फिर सहारा भी देते हैं तो भी जमीन में गिर जाता है, क्यों? कि उसके पांव में ताकत नहीं, उसके शरीर में स्थिरता नहीं। माता उसको चाहती है कि आखिर गोद में बच्चा कितने दिन रहेगा, खड़ा होवे, चले, दौड़े, भागे, लायक मने, इसलिए वो जानबूझ करके उसको जमीन में बिठाती है, उंगली पकड़ती है, देती है कि कुछ खड़े होने की कोशिश करे, लेकिन फिर खड़े होकर के फिर गिर जाता है। लेकिन ये एक्सरसाइज के थ्रू हम सब निकले हैं, और आज हम दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, कोई वक्त था कि 10 बार दिन में गिरते थे और माता उंगली पकड़ के उठाती थी, लेकिन आज वो बच्चा फिर दौड़ना भी शुरू करता है। कहते हैं यही प्यारे तुम्हारी हालत भजन में होगी कि तुम जब यहाँ बैठोगे तुम्हारा मन बाहर जाएगा, जाएगा क्योंकि यहाँ वो कैद होता है और कोई कैद होना पसंद नहीं करता। कोई लोग तो कहते हैं सत्संग 5 मिनट ज्यादा हो गया, हमारे लिए तो कैद हो गया, जब इतना ही कैद हमको अच्छा नहीं लगता, जिसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कबीर साहब हमको सुना रहे हैं, तो यहाँ तो एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, वही नाम बार बार नाम, जब मन वैरायटी का आशिक है वहाँ कोई वैरायटी नहीं, अंधकार छाया हुआ है, कौन नाम जपे। कहते हैं मन बार बार यहाँ से भाग जाता है, और उस तरीके से है जैसे छोटा बच्चा बार बार नीचे गिरता है, लेकिन कहते हैं तू लगा रहेगा, करते करते आका होगा, सुन प्यारे कर भक्ति। भक्ति क्या है? सुबह को उठ करके सिर्फ नहीं करना, हर वक्त अपने ख्याल को रखना नाम के अंदर, लेकिन उसमें कामयाब होने के लिए वहां बैठना किस तरीके का होना चाहिए, जैसे कबीर कहते हैं नाम और नाम और नाम, सिमरन सिमरन सिमरन, एक नाम ऐसे तरीके से बोले कि उसके बाद मुझे दूसरा बोलना है, और दूसरा बोल ही रहा है तो मुझे तीसरा बोलना है, 2 नामों के बीच में कोई ख्याल और गुनावन नहीं आए, ये सही सिमरन है।
जिसमें कोई संसारी ख्याल नहीं, और नरक को यहाँ साथ में टिका करके नाम के साथ रखना, दोनों काम करना। कहते हैं जब तुम ये करोगे तो फिर तुम्हारी उपी की अवस्था, रूखी अवस्था खत्म होगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बेटा निराश नहीं हो, घबराओ नहीं। गांव के अंदर हमने देखा है कि कुएं के ऊपर पत्थर की चरखी होती है और वहां जो बाल्टी डाली जाती है उसके अंदर सन की रस्सी होती है। पत्थर के ऊपर चलते 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 कोई वक्त आता है कि सन की रस्सी उसके अंदर खड़ा बना देती है, खड़ा बना करके फिर वो बाल्टी आराम से नीचे उतरती चढ़ती है। अगर सन की रस्सी पत्थर के अंदर जगह बना देती है, तेरा मन कितना भी पत्थर है, कितना भी निष्ठुर है, करते रहोगे करते रहोगे। स्वामी जी ने क्या कहा, करते करते आका होगा, आका होशियार, सिमरन चल पड़ेगा, अपने आप होने लगेगा। कहते हैं जब ये अवस्था आएगी फिर तुम्हारा बैठने को दिल करेगा, फिर दुनिया तुमको गर्म लगेगी, लोगों की शक्लें तुझे अच्छी नहीं लगेगी, फिर तुझे कमरा अपना कोना अच्छा लगेगा, फिर तुझे महाराज जी अच्छे लगेंगे, गुरु जी अच्छे लगेंगे, उनका नाम अच्छा लगेगा, और तुमको अंदर में भी शांति मिलनी शुरू होगी और तुम्हारे आंखों के सामने वो अंधकार दूर हो जाएगा, तुम्हारा सिमरन आंखों के बीच में जल पड़ेगा, रोशनी आएगी, ठंडक आएगी, शांति आएगी। तो सोचेगा गर्मी में सारी दुनिया है, मैं बचा हुआ। कहते हैं करते करते फिर अंदर चला जाएगा, अंदर चला गया तो कहते हैं सारे काम पूरे हो गए। ये इस तरीके से हुआ जैसे मई और जून के महीने के अंदर बड़ी तकलीफ करके बचत की, पैसे इकट्ठे किए, फिर रेल का सफर भी गर्मी में किया, मैदानों में गर्मी होती है, फिर किसी पहाड़ी के नजदीक पहुंचा, बस में बैठा, फिर बस ऊपर चढ़ने लगी और जैसे चढ़ चढ़ करके पहाड़ की चोटी पर गया, कहते हैं गर्मी नीचे, अब मेरे पास गर्मी नहीं है। जिस वक्त हम गर्मी के अंदर परेशान होते हैं, पहाड़ों में लोग चाय पीते हैं, रजाइयों को ओढ़ते हैं, कहाँ है गर्मी। कहते हैं ये शरीर भी एक पहाड़ी है, पांव तक तुम फंसे हुए हो, जब तुम्हारे हाथ पैर खाली हो जाएंगे तुम इस पहाड़ी को धीरे धीरे ऊपर चढ़ोगे, इसमें दिक्कत है। जैसे पैसे इकट्ठे करने, सफर करना, गर्मी के अंदर से निकलना, सब कुछ होता है, लेकिन लक्ष्य क्या है कि पहाड़ी के ऊपर जाए और गर्मी से बचे। कहते हैं फिर जिस वक्त आंखों के बीच में तुमको कुछ सहारा मिलेगा, तुमको शांति, पहले अंदर जाने से पहले ही तुमको शांति मिलेगी, और जब अंदर चला गया तो गुरु का हो जाएगा, गुरु तेरा हो जाएगा, तेरे को तो बाद में करना ही कुछ नहीं। जैसे बच्चा माँ के गोद में बैठा है तो उसको क्या करना है, उसको केवल माँ को देखना है, माँ से प्यार करना है। सो इसलिए कहते हैं कि ये अवस्था होती है। हमारे दृष्टांत बड़े रोचक रोचक भी दिए जाते हैं। एक रोचक दृष्टांत इसके लिए दिया जाता है कि एक आदमी ने वर्षों तक मेहनत की और किसी भूत को बस करने की साधना की, वो भूत प्रकट हो गया। कहता है भाई कोई काम बताओ, कहता है सोचने दो, कहता है मैं सोचने नहीं देता हूं, मुझे काम नहीं बताओगे तो मैं तुझे खा जाऊंगा। घबरा करके कोई काम बता दिया, एक मिनट में करके आया। कहता है और काम बताओ, दूसरा तीसरा चौथा काम बता करके बेचारा थक गया, वो दैवी शक्ति जल्दी काम करके आवे। कहते हैं मुझे फारिख रखोगे मैं तुझे खाऊंगा। एक हमदर्द आ गया, कहता है मैं तो बड़ी मुसीबत के अंदर फंस गया, अब इसे छुटकारा कैसे मिले। कहते हैं मैं तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका है, घबराने की कोई बात नहीं है। इस सैन के अंदर मैं बांस गाड़ देता हूँ, पोल गाड़ देता हूँ, जब तेरा भूत काम करके वापस आए इसको कहो इस पोल के ऊपर चढ़ो, इसके ऊपर उतरो, फिर चढ़ो उतरो, एक काम है। जब वो भूत आया उसको कहा कि भाई चढ़ो उतरो, चढ़ करके उतर करके भूत बेचारा इतना निराश हो गया, इतना थक गया कि उसके पांव में आके बैठा कि तू जैसे कहेगा जो करेगा, कहेगा खामोश होकर के बैठ, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होता है, मेहरबानी करके मुझे छुटकारा दे। वो बांस क्या है, वो सिमरन है, सिमरन बड़ा मुश्किल है। कहते हैं सिमरन के अंदर जब मन रूपी ये भूत लगा रहता है, इसको लगाए रखते हैं, फिर ये थक करके अभ्यासी के चरणों में बैठता है कि मैं सेवादार हूँ, जो आप कहेंगे सो करेंगे, इसकी
जो दुश्मनी है वो दोस्ती के अंदर तब्दील हो जाती है। सो इसलिए कहते हैं आखिर में स्वामी जी कबीर साहब एक मिसाल दे रहे हैं, कहते हैं फिर तेरी हालत क्या होगी, जैसे भैन सुई के सुराख के अंदर डोरा डालती है, जब डोरा अलग होता है सुई अलग होती है तो डोरा किसी काम में नहीं आता है, लेकिन चित्त को एकाग्र करके जब उसको सुराख के अंदर से पार करके लगाया जाता है तो सुई आगे चलती है, डोरा उसके पीछे पीछे चलता है और सिलाई होती है, काम में आता है। इस तरीके से फिर आत्मा आगे चलती है और ये अभ्यासी पीछे पीछे चलता है, वो शब्द आगे चलता है, सुरत उसके पीछे चलती है, लेकिन करना क्या होगा, कहते हैं वहां यहाँ सुराख है, बड़ा बारीक सुराख है, एक मोटा आदमी हो और दरवाजा बहुत बारीक हो तो उसके अंदर से निकलना मुश्किल है। कई बहने भाई डॉक्टरों के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मोटे होते जाते हैं कोई गोली दो, वो कहता है बहन भाई सुन ले कोई गोली से आदमी पतला नहीं होता है, अपने खाने के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा और दूसरा काम भी करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सैर करना पड़ेगा, चलना फिरना पड़ेगा। संत महात्मा इस मन जो मोटा है उनको इस तरीके से बारीक करते हैं, कहते हैं खा खा करके देख देख करके दुनिया के भोग भोग करके ये मोटा हो गया, इसके भोग कम करो, खाने को रेगुलेट करो, साथ में एक्सरसाइज भी बताते हैं, वो नाम जपने की एक्सरसाइज है, कहते हैं फिर क्या होगा, ये तेरा वफादार नौकर हो जाएगा। हमारी शिकायत क्या थी कि मन साथ नहीं देता है, मन नहीं लगता है, कैसे साथ देगा कैसे लगेगा, कबीर साहब ने खोल करके समझा दिया। कबीर चरण चेत राखो यूं सोई विच डोरा।